हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। एमएससी एंट्रेंस के लिए हम समझ चुके हैं कि हमें कौन सा सिलेबस प्रिपेयर करना है। अगर आप बीएससी के बाद एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीएससी करने के बाद अगर आप एमएससी जो कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बीएससी का ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाह रहे हैं, जो प्लस वन प्लस टू के बाद डायरेक्ट जो है वो पीजी और यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उनको जो एंट्रेंस टेस्ट है वो प्लस वन प्लस टू बेस पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आज हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी बीएससी किया है या बीए किया है और जो एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस आपका होगा वो क्या सिलेबस होगा, किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा और कब आपकी क्लासेस शुरू होंगी, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। हमने अगर ऑनर्स मैथमेटिक्स को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास 18 बुक्स बनती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक टोटल हो सकता है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में थ्री बुक्स नहीं हैं, लेकिन जो टोटल आपका सिलेबस रहने वाला है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही आपका एमएससी एंट्रेंस लिया जाएगा। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी की, तो एमडी यूनिवर्सिटी में 3-3 बुक्स हैं हर सेमेस्टर में, तो उन्हीं 3-3 बुक्स से टोटल हो गया हमारे पास 18 बुक्स कलेक्शन, है ना। तो उन्हीं 18 बुक्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चंस हर बुक से लिए जा सकते हैं। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम सॉल्यूशन की, वो एमडी यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम पेपर है जो पास्ट ईयर्स में पूछा गया है 2021 में। क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम जीजीयू की बात करते हैं, तो जीजीयू यूनिवर्सिटी में क्योंकि हर बार जो बुक्स आप देखेगा तो चार सेमेस्टर्स तक आपके पास 2-2 बुक्स रहती हैं, ओवरऑल सिलेबस वहीं आकर के टिक जाएगा। वहीं हमारे कॉमन से पेपर होते हैं, एलजेब्रा, कैलकुलस, इसके बाद सॉलिड ज्योमेट्री जीजीयू में भी आ जाता है, सीबीएलयू में भी आ जाता है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो अभी एमएससी एंट्रेंस देंगे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी या सीआरएससी यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो उनको पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको एमएससी एंट्रेंस मिलेगा, यानी कि आपने पहले जो बुक्स पढ़ी है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं, एलजेब्रा, कैलकुलस, सॉलिड ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर हो जाते हैं और इनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स, एडवांस कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड सेमेस्टर में, इसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड, यहाँ से केवल और केवल डेफिनेशंस या आपको फॉर्मूलाज पूछ लिए जाएंगे। न्यूमेरिकल मेथड में जितने भी आपने मेथड्स किए हैं उनमें से आपसे फॉर्मूलाज पूछ लिए जाएंगे, मेथड्स का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना, एमसीक्यू जो बन सकता है उस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्लीट तो सोल्यूशन करना नहीं होता है, आपसे ये नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन दे दिया इसका सोल्यूशन कीजिए, है ना। स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्वेंस सीरीज, सारे पेपर्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रियल एनालिसिस, ग्रुप एंड रिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर थे। तो यहाँ से भी अगर आगे पीछे करके, यूनिवर्सिटी कोई भी है लेकिन आगे पीछे करके पेपर्स का कॉन्टेंट मिल ही जाएगा आपको, राइट। एंड लास्ट वन इज सिक्स सेमेस्टर, लीनियर अल्जेब्रा, डायनेमिक, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल, आज जो हम सीरीज का फोर्थ क्लास करेंगे, यूट्यूब पर ये क्लासेज चल रही है, तो इसमें आज हम स्टैटिक्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, तो आप देखिएगा किस टाइप से पूछे गए हैं। एंड लीनियर अल्जेब्रा के साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन डायनामिक एंड रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये सारी 18 बुक्स में से आपको जो दिया जाएगा आपका एग्ज़ाम पेपर। अब एग्ज़ाम कब होगा, अभी मई लास्ट में आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट जून आपके पास है, जून, जुलाई और अगस्त लास्ट में जा करके, या फिर मान के चलो कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले सकती है। एंड अगस्त के लास्ट डेट्स में 30, 31 या फिर 25 के बाद 31 अगस्त तक कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फॉर एमएससी। क्लियर। तो अब जो आपके पास 2.5 मंथ, आप मान के चलो 2.5 मंथ आपके पास है, इसमें आपको ये कंप्लीट बुक्स तैयार करनी है।
अब ये पूरा का पूरा बुक्स का जो कलेक्शन मैंने बताया है, ये आपको बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है कि शुरू से लेकर के बैठिए और कंप्लीट आप रीड कर रहे हो। नहीं जी, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, हर चैप्टर का बेसिक आपको करना पड़ेगा। इस टाइप का बेसिक जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनको आपको हल्का फुल्का सॉल्व करना पड़ सकता है, जो इस टाइप के मेथड्स होंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप जो ये हमारी सीरीज चल रही है एमएससी एंट्रेंस की, इसमें आप देख सकते हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर भी हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और इस कोर्स में क्योंकि 18 बुक्स ना पढ़ो आप, इसलिए आपको शॉर्टकट यानी कि बिल्कुल इन बुक्स की मलाई मलाई आपको दी जा रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे गए नोट्स मैं काफ़ी दिन से प्रिपेयर कर रही हूँ, और बिल्कुल बारीकी से हर बुक का, हर चैप्टर का, कोई भी टॉपिक हमने स्किप नहीं किया है, सभी का नोट्स हम तैयार कर रहे हैं। अभी बाय द वे कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास 2.5 मंथ है, तो ऑलमोस्ट जो है वो नोट्स हमारे तैयार हो जाएंगे 15 जून तक, ठीक है, 20 जून तक हो जाएंगे, या फिर धीरे धीरे आपको ही मिलते रहेंगे। अभी जो क्लासेस इसमें आप देखिएगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा नोट्स, ये हम कोर्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो एमएससी एंट्रेंस के लिए आपको कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलेंगे नोट्स, जिनको रीड करने से ही आपका 50% या 60% पेपर कवर हो जाएगा। ओनली उन नोट से ही आपका 50 या 60% पेपर कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव MCQs क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहाँ पर, यानी कि क्लासेस आपको मिलेंगी MCQs की, ओके। सभी जो MCQs होंगे किसके, जो हमारे BSc के होंगे, ठीक है, MCQs ऑन BSc मैथ्स, ये क्लासेस आपको मिलेंगी MCQs की क्लासेस, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, उन्हीं की क्लासेस आपको मिलती रहेगी, और थर्ड वन इज आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, ओके। सैंपल पेपर हम इसको बोल सकते हैं, ओके। तो ये भी आपको दिए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, अनसोल्ड क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आप जिस टॉपिक को तैयार कर रहे हो वहाँ से आप ये देख सको कि आप कितना कितने क्वेश्चंस और किस टाइप से आप उनको सॉल्व कर पाते हैं, क्लियर। तो इस टाइप से आपको वहाँ पर कंप्लीट जो BSc का जो नॉलेज है आपको बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा। जो स्टूडेंट या जो ऐसे गाइस होंगे जो TSET, PSET, मैथमेटिक्स या जो DSSB के लिए जो हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं कि DSSB का TSET और PSET मैथ्स के लिए हमारा तैयार करवाया जाए BSc मैथमेटिक्स, तो जल्दी ही आपका सेपरेट कोर्स भी मिल जाएगा। लेकिन आप ये कोर्स भी एनरोल कर सकते हो, जो TGT, PGT मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, BSc लेवल का मैथ्स पूछा जाने लगा है, और DSSSB में तो पूरा का पूरा TGT में भी आपका जो है वो BSc लेवल का मैथमेटिक्स आता है, लेकिन वो थोड़ा लो लेवल का होता है, और PGT मैथमेटिक्स का पेपर में आप देखिएगा तो आपका हाई लेवल का होता है, प्लस जो MSc जो कंटेंट है वो भी ऐड कर दिया गया है। तो MSc का कंटेंट कम है, BSc का ऑलमोस्ट जो कंटेंट रहेगा PGT मैथमेटिक्स में। तो TGT और PGT दोनों मैथ्स के लिए ये नोट्स वैल्यूएबल रहेंगे, क्लासेस वैल्यूएबल रहेंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस कोर्स को चेकआउट कर सकता है। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी है आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो 9416941982, ओके। व्हाट्सएप कर सकते हो किसी भी नंबर पर 8053633433, क्लियर दैट। तो 2.5 मंथ का ये हमारा कोर्स रहेगा, और कंप्लीट BSc मैथमेटिक्स को हम इतना अच्छे से करेंगे, बिल्कुल हमारा बेसिक तैयार हो जाएगा। और ये केवल आप MSc एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये आप अपना जो MSc की क्लासेस आप स्टार्ट करने वाले हो उसके लिए भी अपना बेस आप तैयार कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी स्टूडेंट BSc करते हैं या BA करते हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टेड सिलेबस पढ़ते हैं। रेयर ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंप्लीट बुक्स को रीड करते हैं, केवल और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस ही पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे, और यूनिट वाइज जो हो वो सिलेबस को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर उनका लॉस ना हो, इसीलिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा।
जो नोट्स आपको तैयार करके दिए जाएंगे उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा जिस पर आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और जो कंसल्ट कर सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसके साथ साथ हम लाइव क्लासेस भी इस कोर्स में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स होंगे वो लाइव क्लासेस में भी लिए जाए। ओके, तो रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलेंगी, एमसीक्यूज बेस्ड सारे के सारे जितने भी चैप्टर या बुक वाइज जो भी एमसीक्यूज आपको आपके लिए रहेंगे कि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो आपको मिलेंगे, अनसोल्ड आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर जो अभी हमने बताया वो सभी आपको मिलेगा। तो इस टाइप से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के अप्रैल या उससे पहले भी कॉल्स आना स्टार्ट हो गए थे, तो हमने आपको बताया था कि जून फर्स्ट में या मई लास्ट में हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे और फिर आपकी तैयारी इजीली, हम 2 मंथ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 15 दिन हम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हमारी रिविज़न हो जाए अच्छे से, आपने प्रैक्टिस हो जाए। तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।